धनबाद जिला बाघमारा प्रखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र मुच्छो के अंतर्गत पल्स पोलियो अभियान में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका अनिता देवी एवं सैया हिमांगनी देवी को एक ही काम के बदले अलग अलग मेहनताना दिया जाता है। यह नियम सिर्फ धनबाद जिले में ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में लागू है, जिसके चलते आंगनबाड़ी सेविकाओं में रोष देखी जा रही है। यहाँ पे जो पल्स पोलियो की लिंग वर्कर है वो दोनों बराबरी का काम कर रही है। उन दोनों में शिकायत सेविका लोग करती है कि हम लोग का भुगतान सही नहीं हो रहा, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम मिल रहा है। तो यही मैं चाहती हूँ कि दोनों का एकदम समान भुगतान हो, क्योंकि दोनों बराबरी का काम करती है तो भुगतान भी बराबरी का ही होना चाहिए। ये कि जो सहिया लोग को मिल रहा है वो लोग साथ में हम लोग भी काम कर रहे हैं बराबर समान समान, उतना समय लग रहा है उतना मतलब ये काम कर रहा है उतना सब हो रहा है, फिर हम लोग को उतना कम क्यों दिया जा रहा? नहीं तो हम लोग दो काम नहीं किया दिया जाए, एक ही तो हम लोग सहिया है ये है जब, तो हम लोग आंगनबाड़ी में से हम लोग को स्कूल चलाने दीजिए। जब पॉन्स पोलियो का इतना बड़ा अभियान चल रहा है तो जब हम लोग घर घर जाते हैं तो एक को घर सरकार बोल रहे हैं कि छूटना नहीं चाहिए, जाके मार्कर ऊपर सब देखते हैं कि मार्किंग किया हुआ है कि नहीं दरवाजा में, बच्चा का हाथ देख रहा देखा जा रहा है कि इसकी मार्कर लगाई है कि नहीं, दवा खिलाई है कि नहीं है, पर भी हम सरकार हम लोग को इतना कम पैसा क्यों दे रहे हैं? 175 रुपया होना चाहिए और सहिया को ज्यादा और सेविका को कम नहीं होना चाहिए, दोनों का खटाली एक जैसा है, दोनों को बराबर मिलना चाहिए। जैसे कि दैनिक मजदूर लोग काम कर रहा है तो उन लोग का क्या 75 रुपया मिल रहा है? हैं, नहीं मिल रहा है। उन लोग को भी आज के डेट में 200 रुपया मिल रहा है जो कोई हाजिरी काम करने जा रहा है उन लोग को, तो हम लोग तो ऐसे गैर सरकारी हैं, हम लोग को मिलना चाहिए ना कि चलिए भाई एक साथ काम कर रही है तो इन लोग के बराबर दें। इसमें तो बड़ा दुख हो रहा है कि जैसे कि सैयद दीदी लोग का मिल रहा है, वो दीदी लोग का मिल रहा है उसमें नहीं, सरकार के ऊपर दुख हो रहा है। इस वीडियो को मैं इसलिए बनाई क्योंकि पल्स पोलियो अभियान में मैं सुपरवाइजर के रूप में काम करती हूँ और मुझे ही इन लोगों को समान काम के लिए असमान भुगतान करना पड़ता है। इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों से मेरी अपील है कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव श्री के विद्यासागर के संपर्क नंबर 97-71-40-77-78 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि जल्द से जल्द इन लोगों को समान काम का समान भुगतान मिल सके। मैं हलीमा इजाज़ तिरमुचो धनबाद झारखंड से इंडिया हटके।